पर्व के जरिए मेल आई है चंडीगढ़ से, जिसमें उन्होंने कहा कि ये उससे पूछा कुछ और जैसा लगाकर ये जो लोग कृष्णगढ़ से, तो सैनिक सभा की जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाई थी दिसंबर को, विभिन्न अखबारों में प्रकाशित हुआ था, उसमें हमारे कुछ साथी कॉलेजन के साथ हमारे साथ जीत के आए थे, कुछ साथी आए थे समाज को खराब करने के लिए, समाज को जो सैनिक सभा रेवाड़ी में प्रधान द्वारा अनियमितता बरते जाने को लेकर 3 महीने से हम लगातार शिकायत कर रहे हैं। जिला रजिस्ट्रार और उनके सहायक महेश यादव का रवैया पूरी तरह मिले भगत पूर्ण है, जिसके चलते एक तरफ हमें ये कहा जा रहा है कि चुनाव पर रोक लगा दी गई है, हमें बाकायदा 19 बारह को लेटर दिया गया है कि जिसमें रजिस्ट्रार ने लिखा है कि चुनाव नहीं होंगे, और दूसरी तरफ गुपचुप तरीके से चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है। ADC सैनिक सभा में अनियमितता को लेकर जांच कर रहे हैं, और चुनाव के संदर्भ में स्टेट रजिस्ट्रार के पास एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने की प्रक्रिया चल रही है, और ऐसे में जो है चुनाव कराना पूरी तरह गैर कानूनी है, नियमों को ताक पर रखकर काम किया जा रहा है। प्रधान के खिलाफ FIR दर्ज है 420 की। हमारी ये मांग है कि भाई जिला रजिस्ट्रार और महेश यादव का यहाँ से तत्काल तबादला किया जाए, और SCS अधिकारी SDM या और किसी सक्षम SCS अधिकारी की देखरेख में चुनाव कराया जाए, वार्ड बंदी नहीं कराई जाए, और मतदाता सूची को वैलिड ID से जोड़ा जाए। अभी क्या है जैसे स्कूल में बता रहे हैं लिस्ट चिपका दी है, अभी प्रधान द्वारा जो है चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है, और गुपचुप तरीके से जो है मतदाता सूची वह चस्पा दी गई है, वो भी आधी अधूरी है, और जो आजीवन सदस्य है हमारे साथी मतदाता सूची लेने के लिए जा रहे हैं, किसी को मतदाता सूची नहीं दी जा रही है। चुनाव कब होने चाहिए? नहीं, चुनाव तो अब जो जिस तरीके से प्रशासन वो करेगा, जब तक जांच ही चल रही है तो चुनाव कैसे? जांच के बाद जांच हो जाए, जांच के बाद चुनाव कराए, कौन ही मना कर रहा है? कल हमारे कुछ साथियों ने, जिसमें मैनेजर शशिभूषण सैनी, उप प्रधान हरिसिंह सैनी और हमारे कुछ कॉलेज सदस्य, जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जो उन्होंने आरोप आपके सामने लगाए वो बिल्कुल निराधार है। आपको पता होगा कि हमने खुद रजिस्ट्रार से मांग की है कि हमारे चुनाव निष्पक्ष तरीके से करवाए जाए, और आप ही आरोप लगाओ, आप ही ऑब्जर्व लगाओ। इससे पहले हमारे जो भी चुनाव होते थे, हमारे जो प्रिंसिपल देख रहे होते थे, इन लोगों ने समाज का पैसा जो लगेगा ऑब्जर्व आएंगे वो पैसा देना पड़ेगा, और ये अपने आप को धर्मराज समझ रहे हैं कि हम सच्चे हैं, जबकि इनके पास कोई सबूत नहीं है। कोई एक भी सबूत ला दो, हर तरीके से तैयार हो। उप प्रधान के मामले में रजिस्ट्रार महोदय ने फैसला किया, 15 तारीख तक दोनों प्रधान उप प्रधान बने रहेंगे, क्योंकि इन्होंने दबाव बना के प्रशासन पे, पुलिस ने दबाव बना के एक झूठा मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज करवा रखा है, जिसकी इंक्वायरी चल रही है